ये वीडियो आपकी राधानगर बीच की है अंडमान निकोबार है यहां पर मैं भी अभी दिसंबर में घूमने गया था दिसंबर 19 में कोरोना के पहले अब देखें बीच पर दिख रहा है आपको किस प्रकार से लोग पानी के अंदर बैठे हैं मैं भी बैठा था बड़ा मजा आया था काफी एंजॉय किया था काफी माइंड रिलैक्स हुआ था और यहां पर पॉल्यूशन तो है ही नहीं बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इतना क्लीन इन्वायरमेंट है छोटा सा गांव है और राधानगर बीच पे जो लोग आते हैं ना जरूर जाते हैं ये लगा लो कि मैं सात आठ दिन के लिए टूर पे गया था इसमें घूमने के लिए और लगभग तीन दिन मैं इस हैवलॉग आइजलैंड पे रहा था थावलॉग पर और राधानगर बीच पे तो कम से कम दो से तीन बार मैं गया था और पूरे पूरे दिन रहा इतना एंजॉय किया यहाँ पर यह है आपका बीच जिसके ऊपर टेस्टी का क्वेश्चन है देख रहे हैं आप कैसे लोग पानी के अंदर बैठे हैं पानी से खेल रहे हैं पानी फेंकने के दूसरे के ऊपर बड़ा मजा आता है काफी एंजॉय मैंने यहां पे किया अब जरा ध्यान देना यहां पर ही लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको राधानगर बीच के अंदर अब देखो कुछ लोगों के पास बैग है कुछ लोगों के पास खाने के टिफिन भी है कुछ लोग पेप्सी पी रहे हैं कैन से तो ये लोग करते क्या है ना कि यहां पर होने को डस्टबिन तो है लेकिन आपको तो पता ही है हिंदुस्तानी मेंटिलिटी फेंक दो बस सड़क पर तो हेलो फ्रेंड्स मैं सी पुरुषोत्तम अग्रवाल सीए इंटर सीएमए इंटर सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी यह एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर तेरह के स्टडी स्ट्रेटिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युए की 19 की 19 के स्टडी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 तक यानी कि स्टडी नंबर 13 तक हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं आज करेंगे हम स्टडी नंबर 14 से तो सी ए फाइनल का सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन स्टडी मैट निकाल लीजिए आईसीआई ने जो दिया है आपको और पेज नंबर थ्री पर आ जाइए पेज नंबर थ्री पॉइंट फाइव एट के स्टडी नंबर चौदह के स्टडी नंबर फोर्टीन ये केस स्टडी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाते हुए कि एग्जाम में जो ये केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं ये मुश्किल नहीं होते ये बिजनेस की रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने में मजा भी आ सकता है अगर हम उस बात को समझें देखिए प्रॉब्लम तो कई प्रकार की होती है कई कही बार कहीं पर घूमने गए होंगे आप तो वहां पर देखा होगा कि यार बड़ी गंदगी है यहां पर तो तो वो भी एक प्रॉब्लम है एक टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी का होना भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का क्वेश्चन भी केस स्टडी के, के रूप में एग्जाम में आ सकता है अब आपको तय यह करना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते वक्त आपकी केस स्टडी से वो कौन से वाला मॉडल लगेगा जिसके बेस पर आप, आप आंसर को लिखोगे आंसर देने के दो तरीके होते हैं एक होता है मॉडल बेस्ड आंसर एक होता है ओनर माइंड सेट बेस्ड आंसर दो तरीके मॉडल बेस्ड ओनर माइंड सेट बेस्ड मॉडल बेस्ड में क्या होगा आप किसी चैप्टर के किसी मॉडल का किसी कॉन्सेप्ट का किसी थ्योरी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे उसको इलेबोरेट करोगे और उसमें कही गई बातें सिखाई गई बातें बातों का इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन को लिखोगे ओनर माइंड सेट में क्या होता है सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है उसके बारे में किसी मॉडल ने कुछ नहीं बोला स्टडी मैट में वो मॉडल है ही नहीं तो अब हम इसे सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ ओनर माइंडसेट यानी कि उस बिजनेस के अगर हम ओनर होते या फिर कह लीजिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमें बुलाया गया होता तो हम कैसे उसको सॉल्व करते बस यही होता है केस स्टडी रियल लाइफ के अंदर problems आपको वर्बली बताई जाएंगी एग्जाम के अंदर वर्बली बता पाना तो पॉसिबल है नहीं अभी हमारा एग्जाम सिस्टम इतना हाईटेक नहीं हुआ कि वहां पर एक ऑडियो फाइल अटैच कर दें जहां पर एक व्यक्ति बता रहा हो प्रॉब्लम क्या है अभी उतना हाईटेक नहीं हुआ मे भी आज के पंद्रह साल बीस साल बाद इतना हाईटेक हो जाए कि एग्जाम के अंदर आपको ऑडियो फाइल्स मिले क्वेश्चन नंबर वन की ऑडियो फाइल क्वेश्चन नंबर टू की ऑडियो फाइल आप उसको सुने हाँ ये प्रॉब्लम है हाँ ये प्रॉब्लम है हाँ ये प्रॉब्लम है ठीक है फिर आप सोचें कि हाँ इसको सॉल्व करने में ये वाला मॉडल लगेगा इस मॉडल में ये बात कही गई थी उस मॉडल का रेफरेंस देते हुए मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा पॉसिबिलिटी है नथिंग इज इंपॉसिबल कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी क्या है अभी तो ऐसा नहीं है स्टडी का क्वेश्चन आपको लिख कर मिलेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा दो पेज का हो तीन पेज का हो चार पेज का हो मैं तो कहता हूं दस पेज का हो घबराने की क्या बात है शुरुआत करेंगे रिवर्स रीडिंग टेक्निक से सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन आखिर हमसे चाहता क्या है फिर जो वो चाहता है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर कचरा भरा होता है कचरे से मेरा मतलब है फालतू की लाइंस, फालतू के पैराग्राफ जिनका इस्तेमाल आंसर को लिखने में नहीं होता तो जब तक आपके पास वो नजरिया ही नहीं आएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है तो कैसे आप कैटेगराइज करेंगे काम की लाइन बेकार लाइन काम की लाइन बेकार लाइन कैसे तो यह है रिवर्स रीडिंग टेक्निक केस स्टडी नंबर चौदह सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है रिकमेंड एन ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म अब ध्यान देना जरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म ये तीन शब्दों ने आपको एग्जाम में बता दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर नंबर आठ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन में किसी ना किसी मॉडल पर बेस्ड होगा देख रहे हैं अभी मैंने पहली लाइन भी पूरी नहीं पढ़ी रिक्वायरमेंट की और मेरे को बात समझ में आ रही है विच कंसिडर ऑल स्टेक होल्डर इंस्टीड ऑफ जस्ट शेयर होल्डर एंड इंप्लॉय यानी कि सोचो कोई ना कोई ऐसा मॉडल होगा जो सभी स्टेक होल्डर पर फोकस करने की बात करता होगा जो बोलता होगा शेयर होल्डर पर भी फोकस करो इंप्लॉई पर भी फोकस करो कस्टमर पर भी फोकस करो सोसाइटी तो पर भी फोकस करो यानी सब पर फोकस करो ऐसा कोई मॉडल है क्या सोचो जरा एक है बैलेंस स्कोर कार्ड और दूसरा है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है आपको पहले बता दू कैसे मैं लिंक करूंगा कॉन्सेप्ट को यह बात आपको पहले बतानी पड़ेगी मुझे क्वेश्चन अगर पूछे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के बारे में बताओ तो समझ जाना ये बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर रहा है क्योंकि यहां पर चार पर्सपेक्टिव होते हैं भाई साहब एक होता है फाइनेंशियल और बाकी तीन नॉन फाइनेंशियल तीन कौन कौन से होते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव यानी जब भी क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के बारे में समझ जाना क्वेश्चन बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर रहा है इसका आंसर लिखते वक्त बैलेंस स्कोर कार्ड ये जो मॉडल हमने चैप्टर नंबर आठ में पढ़ा था इसका इस्तेमाल होगा दूसरी बात जब क्वेश्चन बोले ऑल स्टेक होल्डर जब क्वेश्चन बोले ऑल स्टेक होल्डर यानी शेयर होल्डर भी इंप्लॉयज भी कस्टमर भी सोसाइटी भी गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेक होल्डर जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है सप्लायर भी है ना तो समझ जाना कि क्वेश्चन परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल भी चैप्टर नंबर आठ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो सीरीज बनाकर भी हमने यूट्यूब पर डाली हुई है अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लीजिए आपको मजा आ जाएगा आपको बात समझ में आ जाएगी <coughs> तो यह बात पता नहीं आपको जरूरी थी अब आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ऑल स्टेक होल्डर मतलब यह परफॉर्मेंस प्रिज मॉडल की बात करता है आपके मन में सवाल आएगा सर मल्टीपल मॉडल्स हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि, कि किसी एक मॉडल को इंप्लीमेंट करने से फायदा ना हो तो सुनो मेरा जवाब के स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम क्या बन जाते हैं डॉक्टर कंपनी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले डॉक्टर हमारे पास तरह तरह की मेडिसिन है जिनको हम मॉडल्स कहते हैं हर मेडिसिन हर पेशेंट के ऊपर यानी कि हर प्रॉब्लम के ऊपर सेम तरीके से काम नहीं करती है किसी किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी भी होती है इसका मतलब है कि हर मॉडल हर कंपनी के लिए फायदेमंद हो ऐसा जरूरी नहीं है यानी मॉडल में क्या लिखा है उसे समझो सीखो पहचानो और कंपनी में कोशिश करो उसको इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हां 90 परसेंट चांसेस हैं बल्कि 95 फाइव परसेंट चांसेज है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि ये मॉडल्स इन्हीं आम लोगों ने नहीं लिखे ये मॉडल्स उन्होंने लिखे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए रहे एक लंबे अंतराल तक एक लंबे टाइम तक साल पैंतीस साल है ना ऐसे माइकल पॉटर बड़े गुणी व्यक्ति हैं ये तो ऐसे व्यक्तियों ने अपने जीवन का निष्कर्ष इस मॉडल के रूप में आपको लिख के दिया है जिस प्रकार से हर मेडिसिन का इंपैक्ट सेम नहीं पड़ता हर पेशेंट के ऊपर उसी प्रकार से हर मॉडल को इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट सोल्व हो जाए ऐसा भी नहीं है आपके मन में एक सवाल आ सकता है सर एग्जाम के अंदर के स्टडी के क्वेश्चन को क्या हम कॉमन सेंस के ऊपर सोल्व कर सकते हैं देखो जवाब तो इसका हा है क्या सब बिना मॉडल्स को पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जवाब इसका भी हां है लेकिन एग्जाम में क्या है भाई साहब आईसीआई ने पेपर चेक करना है और एग्जामिनर क्या बोलेगा मुझे मॉडल का नाम लिखा हुआ चाहिए मॉडल के अंदर जो पांच हेडिंग दी उन हेडिंग्स का नाम लिखा हुआ चाहिए जो स्टडी मैट में लिखा गया है उसको आप अपने वर्ड्स में लिखकर एक बार वहां बता दे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़कर एग्जाम देने आए हैं कॉमन साइंस के बेस पे नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको किसी मॉडल का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है लेकिन ये कब है जब वो बिजनेस खुद का आपका हो लेकिन अगर आप किसी और कंपनी में काम करने जा रहे हैं किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं ऐसे में टॉप मैनेजमेंट बोले यार एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के साथ साथ कोई मॉडल भी अगर आप चिपका दें चिपका दें, दें। शब्दों पर ध्यान देना जरा मॉडल भी आप चिपका दें मतलब उसका रेफरेंस दे दें आप तो आपकी बात में वजन आ जाएगा अगर आप किसी और कंपनी का एग्जाम्पल कि फलाना कंपनी ने इस मॉडल को इंप्लीमेंट करा, तो चाहकर भी आपको निकालने के बारे में सोच नहीं सकती सैलरी वो मिलेगी जो आप मांगोगे और काम वो करना होगा जो वो चाहेंगे समझ गए तो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यक्ति बिजनेस के लिए होता है की पर्सन तो क्या स्टडी नंबर चौदह स्टडी नंबर चौदह यहां पर लिखी आपके स्टडी मैट के अंदर इसको आप आराम से पढ़ लेना इसका जो क्रक्स है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ताकि हमारी टाइम की थोड़ी सी बचत हो और हम टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर पाए और टू द पॉइंट बात कर पाए आपको मैं डिटेल में समझा पाऊं कि पाऊँ स्टडी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप आराम से पढ़ लेना इसका क्रक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस इसके स्टडी नंबर चौदह के अंदर एक कंपनी की बात की गई जिसका नाम है गैलेक्सी लिमिटेड क्या नाम है गैलेक्सी लिमिटेड यह कंपनी लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है माल को लाने ले जाने में हेल्प करती है ए काइंड ऑफ मूवर्स एंड पैकर्स अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है ना ऐसी कंपनी कंपनी है इस ने बैलेंस स्कोर कार्ड को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है यानी कि इसने चार पर्सपेक्टिव पर ऑलरेडी फोकस किया हुआ था क्योंकि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बताया होगा वो चार पॉइंट कौन से थे फाइनेंशियल कस्टमर इंटरनल बिजनेस लर्निंग एंड ग्रोथ लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि फाइनेंशियली तो ये कंपनी परफेक्ट है यानी प्रॉफिट हो रहा है शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कस्टमर है कस्टमर है यानी कस्टमर अनसे कस्टमर की कंप्लेन्ट बढ़ती जा रही है इसका मतलब है बैलेंस स्कोर कार्ड को इंप्लीमेंट करना इस कंपनी के लिए उतना फायदेमंद नहीं जितना ये सोच रहे थे फायदा तो हुआ लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ अब प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम नंबर वन कस्टमर है और कस्टमर का अनसेटिस्फाइड होना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता दूसरी बात हाई इंप्लॉय टर्न ओवर रेशो इंप्लॉय का कंपनी में आना और बार बार पीठ दिखाकर चले जाना नौकरी छोड़कर चले जाना इस बात का इंडिकेशन है कि इंप्लॉय भी अनसेटिस्फाइड है और भाई साहब इंप्लॉय भी सेटिस्फाइड होना चाहिए क्योंकि इंप्लॉय को रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग दो उसको सिखाओ समझाओ उसको तैयार करो और पता लगा एक साल बाद जॉब को नमस्ते बोल गया आपने बहुत सारा खर्चा किया उसके ऊपर पैसे भी लगे टाइम भी लगा आपकी एनर्जी भी लगी रिजल्ट आया नहीं तो हाई इंप्लॉय टर्न ओवर रेशियो इस बात का इंडिकेशन है कि कंपनी के अंदर इंप्लॉयज भी सेटिस्फाइड नहीं है अगला पॉइंट है जब इंप्लॉय जॉब छोड़ के जाता है ना तो हर कंपनी उससे पूछती है बताओ क्या रीजन है क्यों छोड़ के जा रहे हो तो लोग बताते हैं कोई बताता है अभी मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा तो मैं जा रहा हूं कोई बताता है कि इस कंपनी के अंदर यह प्रॉब्लम है और इस कंपनी के अंदर बहुत प्रेशर है तो मैं छोड़ के जा रहा हूं इस कंपनी में काम करने में मजा ही नहीं आ रहा तो जब कोई कंपनी जब कोई इंप्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है ना तो एचआर नॉर्मली उसका इंटरव्यू उसको बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू एक इंटरव्यू ज्वाइनिंग के टाइम पे होता है और एक इंटरव्यू एग्जिट के टाइम पर होता है जहां पर कंपनी उससे पूछती है कि भैया आप जा क्यों रहे हो अच्छा पूछने के बाद क्या करना चाहिए कंपनी को उस बात पर फोकस करना चाहिए अगर इंप्लॉय ने बोला कि हमारी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत प्रेशर है इतना प्रेशर है कि जब वो आया था और अब जब वो जा रहा है तो कुछ चेंजेस आ गए उसके अंदर हेल्थ वाइज उसको बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है शुगर प्रॉब्लम हो चुकी है उसकी आईज वीक हो चुकी है सर के सारे बाल झड़ चुके हैं इतनी टेंशन रहती है कि वो बाइक में कार में पेट्रोल तक भूल जाता है अपना मंथली ईयरली क्वार्टरली हेल्थ चेकअप करवाना भी भूल जाता है संडे इंजॉय नहीं कर पाता इतनी कॉल आती है बॉस के घर पर ये सब बात इस तरफ की तरफ ये सब बातें इस तरफ इंडिकेशन करती हैं कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है अगर ऐसा किसी इंप्लॉय ने बोला तो क्या करना पड़ेगा एचआर को बाद में ध्यान दो भैया अगर ऐसे इतना प्रेशर दोगे बंदा जॉब छोड़कर चला जाएगा और इम्प्लॉय का जॉब छोड़ना तो बड़ा आसान है लेकिन एक सही इम्प्लॉय का मिल पाना आज की इस डेट में बड़ा मुश्किल है तभी तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात चल रही है आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो वैसे तो ग्रेजुएट हैं लेकिन काम कुछ करना नहीं जानते क्या गलती उनकी है नहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है यहां पर स्किल डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करता यहां पर बात करते हैं बाबर कब आया बाबर कब गया अरे बाबर चला गया मेरे भाई प्रैक्टिकली बताओ क्या चीज काम आने वाली है इंग्लिश बोलना सिखाओ काम आने वाला है एक्सेल चलाना सिखाओ काम आने वाला है टैली चलाना सिखाओ काम आने वाला है डिसीजन मेकिंग सिखाओ काम आने वाली है यह बातें कोई सिखाता है नहीं इसीलिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी व्यक्ति को कुछ आता ही नहीं यानी मार्केट वैल्यू नीलबा सन्नाटा कुछ नहीं है उसकी मार्केट वैल्यू तो ऐसे में एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर चला जाए तो कंपनी के लिए बहुत नुकसान की बात है और इस कंपनी के अंदर यही फीडबैक रहा है कि बहुत सारा प्रेशर मिलता है कि कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करो बट विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट ये तो वही वाली बात हो गई कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो प्रेशराइज कर रहे हो कि करो 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 लेकिन करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो तो मिल नहीं रहा घर वाले बोल रहे हैं सोलह घंटे बैठ के पढ़ाई करो बट घर में शांति का माहौल तो है ही नहीं वो तो चौबीस घंटे लड़ते ही रहते हैं तो सपोर्ट तो मिला ही नहीं बस प्रेशर मिल रहा है ऐसे में कैसे पढ़ेगा स्टूडेंट तो यहां पर भी क्या हुआ कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करो तो कंपनी बहुत बोलती है लेकिन उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट देती नहीं इसके यहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं पिछले एक साल में तीन बार स्ट्राइक पर जा चुके हैं इसके ट्रक ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किए गए हैं उनका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है और वो चाहते हैं परमानेंट हो हमारी जॉब इंप्लॉय को अगर आप टेम्परेरी तौर पर जॉब पे रखोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है क्योंकि उसके मन में एक डर बना रहता है कि ना जाने किस दिन मुझे मेरा बॉस बोल दे भाई साहब नमस्ते कल से ऑफिस में देख मत जाना समझे बात को तो एक डर रहता है उसके मन में इस चक्कर में वो नई नई जॉब तलाशता रहता है और इस पर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो यह प्रॉब्लम के अंदर है तो कुल मिलाकर बात क्या भी अनहैप्पी कस्टमर भी अनहैप्पी यानी कि जो स्कोर कार्ड को इंप्लीमेंट करना सफल नहीं हुआ इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि बताओ कोई ऑल्टरनेटिव तरीका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका जिसके बेस पर हम सभी स्टेक होल्डर को इंप्रूव करने पर उनको हैप्पी करने पर ध्यान दे सके तो जवाब है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है एग्जाम में हमें कितना लिखना है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल तो परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल यहां पर सभी की बात की जाती है सिर्फ शेयर होल्डर की नहीं सिर्फ एम्प्लॉयज की नहीं यहां कस्टमर की बात भी होती है यहां सप्लायर की बात भी होती है कुल मिलाकर जिसके दम पर कंपनी चल रही है और जो कंपनी के दम पर चल रही है दोनों की ही बात यहां पर की जाती है प्रिज्म माने क्या होता है प्रिज्म मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मिरर आपने अपने घर पर एक पेपर वेट वेट दिखाऊगा है ना तो एक ट्रांसपेरेंट मिरर टाइप का होता है उसमें क्या होता है अगर एक तरफ से आप रोशनी टॉर्च मारोगे ना तो जो रोशनी टॉर्च की सीधे जाएगी और फिर वो डाइवर्ट करेगी डिफरेंट डायरेक्शन में और मल्टी कलर में निकलेगी रोशनी अभी एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना शाम को अपने रूम की लाइट बंद करके ये काम करके देखना बट उससे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट मिरर लेकर आना होगा तो इसे बोलते हैं प्रीज मॉडल बेसिकली क्या कहना चाहता है ये ये कहना चाहता है कि अगर आप एक पर ध्यान दोगे ना अच्छे से तो बाकी पांच अपने आप ठीक हो जाएंगे यानी कि अगर आपने इंप्लॉई को खुश कर दिया तो कस्टमर अपने आप खुश हो जाएगा ये कैसे पॉसिबल है अगर आपने इंप्लॉय को बता दिया कि जॉब भैया परमानेंट है कोई टेंशन मत लो तो अब वो दिल लगाकर काम करेगा आपने इंप्लॉय को बोल दिया कस्टमर के प्लेस पर जाना है और चेक करके आना है कि जो मशीन हमने उनके घर पे लगाई थी अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है और ये लो आने जाने का कन्वेंस तो फिर क्या होगा इंप्लॉय खुश दौड़ा दौड़ा कस्टमर के घर पे जाएगा तो देख रहे हैं आप एक डायरेक्शन में लाइट मारी तो अदर मल्टीपल डायरेक्शन में अलग अलग कलर की लाइट्स निकलेंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है ये बोलता है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल यहां पर ये पांच सवाल खड़े कर देता है जिनके ऊपर आप अगर आंसर ढूंढोगे तो ऑटोमेटिक आप कंपनी को इंप्रूव कर दोगे पांच सवाल सवाल नंबर एक स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन सबसे पहला सवाल यह है यह पता लगाओ कि आपकी कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन है दूसरी बात उनकी क्या जरूरतें हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं यानी वो हमसे क्या चाहते हैं तो कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन होता है कस्टमर होता है जी इन्वेस्टर होता है इंप्लॉयज होते हैं सप्लायर होता है कस्टमर क्या चाहता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो कस्टमर की कंप्लेट टाइम पर सॉल्व हो इंप्लॉई क्या चाहता है सैलरी पैकेज ज्यादा हो जॉब पे ट्रेनिंग मिले धीरे धीरे प्रमोशन मिलता रहे सैलरी बढ़ती रहे सप्लायर क्या चाहता है टाइम पर पेमेंट मिले और उसे ऐसा महसूस हो कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं कंपनी मुझे अपना पार्टनर मानती है सिर्फ सप्लायर नहीं इन्वेस्टर क्या चाहता है उसने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर अच्छे रिटर्न तो पहला सवाल था कि हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन है वो हमसे क्या चाहते हैं दूसरी बात शेयर होल्डर स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन हम उनसे क्या चाहते हैं पहला था वो हमसे क्या चाहते हैं अब हम उनसे क्या चाहते हैं तो हम कस्टमर से क्या चाहते हैं कि वो लॉयल रहे और हमें एक्चुअल फीडबैक दें अगर प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो एक्चुअल फीडबैक झूठा फीडबैक ना दें दूसरा इंप्लॉय से हम क्या चाहते हैं कि रिलायबल हो जिम्मेदारी लेने वाले हो स्किलफुल हो काम करना आता हो इन्वेस्टर से हम क्या चाहते हैं कि वो बिलीव करें मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो उनके फायदे में होगा सप्लायर से हम क्या चाहते हैं टाइम पर सप्लाई करें हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल तो ये वो है जो हम चाहते हैं स्टेक होल्डर से और पहले में क्या था स्टेक होल्डर हमसे क्या चाहते हैं आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये सारी बातें तो हम थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हां इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है यहां पर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस प्रीज मॉडल की थ्योरी को लिख देना है क्योंकि क्या बोला है रिकमेंड करें तो कर दे रिकमेंड यही वाला है परफॉर्मेंस प्रीज मॉडल जो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा एम्प्लॉय को भी खुश कर देगा और कस्टमर को भी खुश कर देगा अगला क्या है स्ट्रेटजीज अब क्या बनानी है अपने को स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनानी है कैसे उनकी वॉन्ट्स को नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे कैसे हम गोल्स को अचीव करेंगे दूसरा है प्रोसेस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना होगा प्रोसेस अच्छा होना चाहिए कॉस्ट सेविंग वाला होना चाहिए यानी कि रिडेंडेंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो और इलिमिनेट करो <coughs> कोई ऐसा तरीका <coughs> जिससे काम करने में ज्यादा खर्चा हो रहा है उसे अवॉइड करो ना बेकार है वो तरीका तो स्ट्रेटी क्या बोलती है क्या करना है और प्रोसेस क्या बताता है कैसे करना है उसके बाद है कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज का मतलब है कंपनी के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वही मैन मनी मटेरियल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यही सारी बातें यहां पर लिखनी थी और आपका ये जो क्वेश्चडी नंबर चौदह है यहां पर सॉल्व हो चुका है आपके स्टडी मैट के अंदर इसका आंसर आपको मिलेगा चाहे तो एक बार उसको भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो आंसर मैंने अभी आपको दिखाया सिर्फ आपको उतना ही लिखना है टू द पॉइंट फालतू कचरा आंसर में नहीं भरना है एग्जामिनर को वही चाहिए जो क्वेश्चन ने पूछा है एक बात है चलिए आगे बढ़े फिर इसके बाद आ जाइए के स्टडी नंबर पंद्रह और के स्टडी नंबर पंद्रह आपका है पेज नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स टू पर थर्टीन पॉइंट सिक्स टू आ जाओ भाई थर्टीन पॉइंट सिक्स टू के स्टडी नंबर पंद्रह सबसे पहले क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है जी टू कन्विंस द सीईओ यू नीड ब्रिंग आउट डिफरेंसेज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क लो भाई कर लो बात हमें अकाउंटिंग करने का पुराने वाला जो फ्रेमवर्क है पुराने वाला जो तरीका है और ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क है नया वाला जो तरीका है इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है तो ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क ये जो शब्द है अपने आप में इन्होंने बता दिया कि ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर आठ में पढ़ा था हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रवेल्यूशन और यहां पर हमें दोनों के डिफरेंस को बताना है अकाउंटिंग किस पे ध्यान देता है प्रॉफिट पर और ट्रिपल बॉटम लाइन प्रॉफिट पीपल प्लानिट तीनों पर ध्यान देने की बात करता है यानी कि कोई कंपनी अगर ट्रिपल बॉटम लाइन पर फोकस करे तो प्रॉफिट पर तो फोकस हो ही गया दो एडिशनल बातों पर भी फोकस हो जाएगा और वो क्या है पीपल एंड प्लानिट यानी कि लोगों की लोगों के बारे में सोचो इन्वायरमेंट के बारे में सोचो है ना पीपल के बारे में सोचो प्लानिट के बारे में सोचो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा एक फिल्म आई थी रॉकेट सिंग जिसके अंदर बोला गया था बिजनेस क्या है बिजनेस है लोग यानी कि लोग अगर खुश हैं तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता जाएगा तो ट्रिपल बॉटम लाइन भी क्या बोलता है पीपल प्लेनेट प्रॉफिट अगर लोग खुश हैं प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा अगर आपने प्लेनेट का ध्यान रखा प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा ड्राफ्ट एंड ई मेल ऑन दी सब्जेक्ट यू नीड टू सेंड टू सीईओ फॉर डिस्कशन एट द मीटिंग कुल मिलाकर हमें उनको एक ई मेल लिखनी है और ई मेल के अंदर हमें एक वर्ड फाइल अटैचमेंट लगानी है उस वर्ड फाइल के अंदर हम डिफ्रेंसेस की बात करेंगे कि भाई ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ये ये बातें बोली गई हैं और ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर ये बातें बोली गई हैं समझ में आ गई बात अब मुझे आप बताओ इसके आंसर में प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे आप सोच के बताना और अगर आंसर दिमाग में आता है तो वीडियो को ही पहले पॉज करो नीचे कमेंट करके बताओ क्या लिखेंगे आंसर में आप मान लो आपकी कंपनी के अंदर आपके सामने ये इश्यू खड़ा हो गया क्या करोगे आप तो सुनो इसका जवाब देखो ई लिखोगे किसको लिख रहे हो आप ई सीधे सीईओ कंपनी का हेड बॉस है भाई जी अगर गड़बड़ करी तो नौकरी से नमस्ते भी हो सकता है इमेज खराब हो सकती है और बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको डिफरेंस तो बताने हैं लेकिन डिफरेंस आपको इस तरीके से बताने होंगे कि उनको पता लगे कि ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने से उनके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ता उनको प्रॉफिट बढ़ेगा कोई भी एंटिटी किसी भी मॉडल को तभी इंप्लीमेंट करेगी जब उसको लगेगा हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है हमें फायदा हो रहा है यह फायदा इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है यह फायदा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है यह फायदा इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, है। यानी जो भी हम आंसर लिखेंगे हम उस आंसर को इस प्रकार से लिखेंगे कि तुरंत सीईओ ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए बावला हो जाए समझते ना बावला वर्ड

पेपर जिसके ऊपर बुक शॉप इसके ऊपर आप लिखते हो रजिस्टर ये बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं भाई पेड़ तो लगाने पड़ेगा पेड़ों से क्या बनता है पेपर बनता है चालीस परसेंट इंप्लॉई इनकी फैक्ट्री के आसपास ही रहने वाले हैं इससे ये बात समझ में आ गई कि आसपास की लोकेलिटी के लोग अपनी इनकम के लिए हमारी कंपनी पर डिपेंडेंट है इसका मतलब है जाने अनजाने में हमने उनके सोशल स्टेटस को इंप्रूव कर दिया है उनकी इनकम को हमने इंप्रूव कर दिया है और इस बात को अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके हाईलाइट कर दें तो सोसाइटी में हमारी कंपनी की रिप्यूटेशन अच्छी हो जाएगी और कंपनी की अच्छी रिप्यूटेशन का मतलब है ज्यादा मुनाफा सारी कहानी इमेज पर आगे टिक जाती है अच्छी इमेज अच्छा मुनाफा खराब इमेज खराब मुनाफा और यही बात तय करती है कि जैसे जियो इंटरनेट है जियो फाइबर इंटरनेट अच्छी स्पीड अच्छी इमेज या जबरदस्त इंटरनेट है हा? तो अच्छा मुनाफा कस्टमर आएगा अगला पॉइंट है इन्होंने फैक्ट्री के पास एक लैंड थी जो पहले वेस्ट थी उस पर कुछ काम हो नहीं रहा था वहां पर आके इन्होंने फैक्ट्री खोली है यानी इन्होंने अपना प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आसपास की सोसाइटी को भी काम दिया है रोजगार दिया है पंद्रह साल पुरानी कंपनी है और सवाल ये हो गया कि टीबीएल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करें कि ना करें क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा है लेकिन हम डिफरेंस को बताने के साथ साथ इस बात पे फोकस करेंगे कि ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना कंपनी के लिए फायदेमंद है अगर लोग खुश रहे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता है सोसाइटी खुश रहे तो कंपनी की इमेज बढ़ती है कंपनी की इमेज बढ़ती है तो लोग माल खरीदते हैं जैसे इस टाइम पर चाइना को बाइकआउट करने की बात चल रही है इस टाइम पर बहुत से लोग चाइनीज माल नहीं खरीद रहे हैं कोई भी आइटम खरीदने से पहले देखते हैं मेड इन चाइना तो नहीं लिखा हुआ अगर मेड इन चाइना लिखा है तो इस टाइम पर लोग उसके माल को खरीद नहीं रहे क्यों एक इमेज कि यार चाइना के चाँग से, चाँग से ही आया कोरोना वायरस तो सब लोग सब कंट्री उसके ऊपर गुस्सा है ऐसे में क्या बोला मोदी जी ने कि जो लोकल है उसे ही वोकल बनाओ यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसी को खरीदो तो इस समय ये हवा चल रही है और ऐसे के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट को लोग बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि इमेज खराब हो गई चाइना की जब खराब इमेज के ऊपर सेल में कमी आ सकती है तो अच्छी इमेज के ऊपर सेल में इंक्रीज तो होगा ही तो ये सारी मैंने क्वेश्चन के करक्ट आपको बता दिए और ये ध्यान देना ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क ये शब्द इंडिकेट करते हैं चैप्टर नंबर आठ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रेव्यूशन ये मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि एग्जाम में आप समझ पाए कि, कि किस प्रकार से आप जान जाएंगे कि यह क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर से है और कौन से वाला मॉडल इसके स्टडी के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उस वीडियो में पेपर मेकिंग प्रोसेस है कैसे बनती है पेपर कैसे बनाया जाता है ये वीडियो मैंने यूट्यूब से निकाली है आराम से देखिए देखो फ्रीज दिखा रखे ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाने पड़ते हैं पेपर को बनाने के लिए और ये कहां लगाती है कंपनियां अपनी फैक्ट्री के पास फैक्ट्री के पास लगाना आसान है उनकी केयर कर पाना आसान है जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं जिस क्वालिटी का पेपर हम बनाना चाहते हैं उसको बना पाना आसान है देख रहे हैं लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे लेकर आए देखते जाओ वीडियो को आप ही आपको बात समझ में आएगी यह है पेपर मेकिंग बिजनेस जिसके ऊपर आपका स्टडी नंबर पंद्रह है देखो पेपर के पेड़ के लट्ठे लेकर आए लट्ठों को तोड़ के बारीक बारीक बना दिया अब इनको और चुगरा कर देंगे और महीन कर देंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कर देंगे उसके बाद ही पेपर में कन्वर्ट होगा कैसे होगा वो भी दिखेगा अभी आप इसके अंदर वीडियो को देखते जाइए ऐसे बनता है जी पेपर जिसके ऊपर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं आईसीआई आई ने अपनी बुक प्रिंट की है हमने भी अपनी बुक प्रिंट करवाई है देख रहे हैं पेपर मेकिंग बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। सारा प्रोसेस भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है अंग्रेजी के अंदर एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको चाहे है तो इंग्लिश लैंग्वेज में है पूरे का पूरा तो ठीक है ना ये वीडियो आपको बता रही है किस प्रकार से पेपर बनता है मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं इसके अंदर फाइनली पेपर कैसे किस फॉर्म में बनता है ये देखिए ये देखिए इतने बड़े बड़े पे, पेपर बन चुका है ये पेपर के लट्ठे देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े आपके हमारे पास कौन सा पेपर आता है ए फोर साइज इतना छोटा सा इतना होगा ए फोर साइज अब देखिए कितने बड़े बड़े लट्ठे हैं पेपर के देख रहे हैं आपको कितना बड़ा रोल है बन गया पेपर तो इस पेपर मेकिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं वो इनका एम क्या है प्रॉफिट कमाना भाई प्रॉफिट तो हर कंपनी कमाना ही चाहती है लेकिन अगर सोसाइटी भी खुश हो जाए पब्लिक भी खुश हो जाए तो मजा आ जाएंगे फिर तो चलिए अब इसके आंसर की बात करते हैं हमने क्या लिखा ईमेल में टू सीईओ ध्यान देना ईमेल कर रहे हैं यहां पर हम जब जी में आप ई करते हो टू में कुछ डालते होंगे ना तो टू में यहां पर आएगा सीईओ का ई मेल फ्रॉम में आप आ जाएंगे चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर सब्जेक्ट में क्या आएगा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क वर्सेस ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ठीक बात है ना प्लीज फाइंड अटैच फाइल विच विल एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बोथ फ्रेमवर्क इन द कंटेक्ट ऑफ कंपनी एंड बेनिफिट टू द कंपनी इफ इट अडोप्ट टीबीएल

यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो पीपल को हैप्पी रखो और क्योंकि आपका बिजनेस पेपर मेकिंग बिजनेस है इसलिए प्लानिट को भी हैप्पी रखना जरूरी है अगर आपने पेपर बनाने के लिए पेड़ को कार्ड तो दिया लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए तो जाहिर सी बात है वो संस्थाएं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपके खिलाफ नारेबाजी कर देंगी आपके ऊपर एक खराब आर्टिकल न्यूज में आ जाएगा आपकी कंपनी की इमेज के धज्जियां उड़ जाएंगी और एक बार अगर आपकी कंपनी की इमेज का धज्जियां उड़ गई तो आपकी कंपनी का रजिस्टर कोई नहीं खरीदेगा तो अगर कंपनी ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है तो दो एडिशनल बातों पर फोकस कर पाएगी पीपल एंड प्लेनेट रहा जी आंसर देखिए क्योंकि कंपनी ने इस टाउन को डेवलप करने के अंदर अच्छा खासा योगदान दिया है क्योंकि फैक्ट्री कहां पर है वेस्ट लैंड के ऊपर वो लैंड जो पहले वेस्ट थी वहां पर इन लोगों ने आके अपनी फैक्ट्री खोली तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया सोसाइटी के लोगों को रोजगार दिया अगर ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को ये कंपनी इस्तेमाल कर लेती है तो इसके ऊपर एक एडिशनल रिपोर्टिंग होगी अंडर दी हेड प्लेनेट है ना तो उससे क्या होगा कंपनी की गुडविल इन्हेंस होगी कंपनी की गुडविल एनहेंस होगी तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे जैसे इस टाइम पर देख लो आप कोरोना भगाने की जो वैक्सीन है है ना कोरोना भगाने की जो दवाई है तो लोग काढ़ा पीने लगे और काढ़ा क्या आयुर्वेदिक है? है लोगों को लगता है अंग्रेजी दवाई तो पता नहीं फायदा करेगी नहीं करेगी क्योंकि लोग क्या डब्ल्यूएचओ क्या बोल रहा है अंग्रेजी मेडिसिन तो बनी नहीं अभी तक लेकिन काढ़ा लोग पीने लग गए हैं तो वो वाली बात हो गई लोकल उसके बाद क्या है अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें पॉइंट नंबर टू है तो हो सकता है हम अपनी कॉम्पिटिंग कंपनी के बराबर आ जाए यानी सीईओ साहब को बताओ कि ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी कॉम्पिटिंग कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है और भाई जो काम कॉम्पिटिटर कर चुका है वो काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप तो पीछे रह गए यानी उनके एड पार तो आओ तभी तो उसके आगे पहुंचोगे अगला पॉइंट है हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया और वेस्ट को कम करने के लिए स्टेप्स लिए इस बात को अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हाईलाइट करें तो कंपनी की इमेज अच्छी होगी और हो सकता है गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल जाए गवर्नमेंट ऐसे इलाकों के अंदर कंपनी खोलने में आपको टैक्स में रिबेट देती है कोई ऐसा एरिया जहां पर इनकम कमाने के साधन नहीं है ऐसे में अगर कोई कंपनी वहां जाकर अपनी कोई फैक्ट्री खोलती है तो, तो गवर्नमेंट उसको कुछ टैक्स बेनिफिट देती है बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के अलावा अगर आप सोसाइटी पर भी ध्यान देंगे और उनके संबंधित इंफॉर्मेशन को भी आप ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनेंशियल्स में इंक्लूड करेंगे तो इससे कंपनी आपके प्रति ज्यादा कंपनी के प्रति सोसाइटी ज्यादा अवेयर हो जाएगी और कंपनी को इसका फायदा होगा तो बस यही आंसर लिखना था आपको स्टडी नंबर पंद्रह के अंदर और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टडी मैट में आपको आंसर दिया हुआ है आप चाहें तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं यह के स्टडी नंबर पंद्रह अब इसके बाद अगली का स्टडी नंबर है सोलह और वो है आपकी पेज नंबर तेरह पॉइंट पैंसठ पर थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव के स्टडी नंबर सोलह थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव के स्टडी नंबर सोलह निकाल लीजिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो को देखने में मजा आता है आपको बात समझ में आती है किस प्रकार से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम रिक्वायरमेंट चार रिक्वायरमेंट है कितनी रिक्वायरमेंट है चार प्रिपेयर ए लेटर एड्रेस टू आई ए डिपार्टमेंट यानी कि हमें लेटर लिख के देना है जिसमें चार बातें बतानी है हमारे को सबसे पहला है रिकमेंड गाइडलाइंस टू एस इकोनॉमी एफिशिएंसी ऑफ बीच क्लीनिंग ऑपरेशन उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर टू रिकमेंड गाइडलाइंस इफेक्टिवनेस तो आप जरा ध्यान देना इकोनॉमी और इफेक्टिव ये तीनों शब्द वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क हैं। ये तीनों शब्द के बारे में हम चैप्टर नंबर आठ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो यहां से पता पड़ेगा हमें चैप्टर एग्जाम के अंदर हमें बताना किस प्रकार से कंपनी इकोनॉमी इकोनॉमिकल है कि नहीं है चेक कर सकती है बताओ गाइडलाइंस कैसे चेक करें एफिशिएंसी अचीव की कि नहीं की बताओ कैसे चेक करें इफेक्टिवनेस है कि नहीं है गाइडलाइंस बताओ आइडेंटिफाई चैलेंजेस क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इफेक्टिवनेस को मेजर करने में रिकमेंड जनरल गाइडलाइंस हाउ द ऑडिट टीम मे कंक्लूड द ऑडिट बेस्ड ऑन कंबाइंड आउटकम्स ऑफ इकोनॉमी एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस कुल मिलाकर ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ वो लोग जो इस कंपनी का ऑडिट करने आए हैं वो किन पैरामीटर पर चेक करें कि इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव किया है कि नहीं किया है अब केस है अब देखिए स्टडी स्टडी का ये क्वेश्चन क्वेश्चन इस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसका क्रक्स मैं आपको पहले दिखाता हूं क्रक्स लिखा है मैंने इसका ताकि हमारा टाइम सेव हो हम टू द पॉइंट बात करें हम पहले बात करेंगे क्रक्स क्वेश्चन में क्या बात की गई है क्वेश्चन में बस इतनी सी बात की गई है एक बीच के बारे में बताया गया बीच समझते हैं ना आप बीच मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं ये देखिए ये वीडियो आपकी ये वीडियो आपकी राधानगर बीच की है अंडमान निकोबार हैवलॉक आइसलैंड यहां पर मैं भी अभी दिसंबर में घूमने गया था दिसंबर 19 में कोरोना के पहले अब देखें बीच पर दिख रहा है आपको किस प्रकार से लोग पानी के अंदर बैठे हैं मैं भी बैठा था बड़ा मजा आया था काफी एंजॉय किया था काफी माइंड रिलैक्स हुआ था और यहां पर पॉल्यूशन तो है ही नहीं बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इतना क्लीन इन्वायरमेंट है छोटा सा गांव है और राधानगर बीच पे जो लोग आते हैं ना जरूर जाते हैं ये लगा लो कि मैं सात आठ दिन के लिए टूर पे गया था इसमें घूमने के लिए और लगभग तीन दिन मैं इस हैवलॉग आइसलैंड पे रहा था हेवलॉग पर और राधानगर बीच पे तो कम से कम दो से तीन बार मैं गया था और पूरे पूरे दिन रहा इतना एंजॉय किया यहां पर यह है आपका बीच जिसके ऊपर टेस्टडी का क्वेश्चन है देख रहे हैं आप कैसे लोग पानी के अंदर बैठे हैं पानी से खेल रहे हैं पानी फेंकने के दूसरे को बड़ा मजा आता है काफी इंजॉय मैंने यहां पे किया अब जरा ध्यान देना यहां पर लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको राधानगर बीच के अंदर अब देखो कुछ लोगों के पास बैग है कुछ लोगों के पास खाने के टिफिन भी है कुछ लोग पेप्सी पी रहे हैं कैन से तो ये लोग करते क्या है ना कि यहां पर होने को डस्टबिन तो है लेकिन आपको तो पता ही है हिंदुस्तानी मेंटेलिटी फेंक दो बस सड़क पर तो यहां पर भी लोग क्या करते हैं इस रेत में फेंक देते हैं वेस्ट सामान को जैसे बनाना खाया और जो उसका छिलका ऐसे ऐसी फेंक दिया डस्टबिन में डाला ही नहीं पेप्सी पी कैन को ऐसे भारी फेंक दिया टिफिन लेके आए थे होटल से उसको यहां पर खाया और जो पॉलिस ने ऐसी फेंक दिया कोई बैग लेके आए रास्ते में फट गया उसको ऐसी फेंक दिया ओपनली तो होता क्या है कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनकी इनकम इस बीच के अच्छे होने पर निर्भर करती है ये बीच जितना साफ होगा ना उतने ज्यादा टूरिस्ट यहां पर आएंगे पानी में नहाएंगे उनको भूख लगेगी चाय भी पियेंगे नाश्ता भी करेंगे खाना भी खाएंगे ट्रांसपोर्ट भी होगा होटल्स को भी काम मिलेगा देख रहे हैं आप अब ऐसे में अगर लोग यहां पे गंदगी कर दें तो गवर्नमेंट क्या करे हाँ गवर्नमेंट क्या करे तो भाई गवर्नमेंट यहां पर सफाइयां करवाती है अपनी खुद की जिम्मेदारी पर क्यों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना किसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यहां पर कौन आएगा टूरिस्ट आएगा टूरिस्ट यहां पर कब आएगा जब यह बीच साफ सुथरा हो पानी गंदा होगा ना तो कोई पानी में उतरेगा भी नहीं अगर पानी दिखने में साफ होगा नीचे रेत चमक रही होगी सीप दिख रहा होगा तो मजा आएगा ना फिर साफ पानी है आराम से जाओ बैठो कूदो नहाओ जो करना करो है ना एंजॉय करो लाइफ को तो यहां पर लोग सैंड के अंदर उल्टी पुलटी चीजें डाल दिया करते हैं वेस्ट डाल दिया करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही बताया गया चलो आपको पहले वीडियो और दिखा देता हूं देख लीजिए वीडियो और प्लान बनाइएगा बनाइएगाइसलैंड जाने का राजानगर बीच बहुत जबरदस्त बीच है मजा आ जाएगा बस प्रॉब्लम ये कि वहां पर यह कि वहां पर थोड़ा वेज कम है तो मतलब मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूं तो वहां पर आपको वेज दाल रोटी इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो मल्टीपल ऑप्शन है यहां पर इतना क्लीन इन्वायरमेंट है मतलब पॉल्यूशन फ्री दिल लग गया था मेरा वहां पर लेकिन लौट के तो आना ही पड़ेगा भाई यहां पर आपको बाइक मिल जाती है आप रेंट पर बाइक ले लो स्कूटर ले लो स्कूटी ले लो जो लेना वो ले लो इंजॉय करो मैंने वहां पर एक बाइक रेंट पे ली थी पूरा दिन उसी बाइक को एंजॉय करता रहा तो अपनी फैमिली के संग गया था मैं पूरा तो देख रहे हैं आप अब वहां पर जा, जाके आने के बाद मतलब आज भी अगर मैं उन पुरानी वीडियोस को देखूं तो दिल करता है दोबारा चले जाऊं इतना यहां पे माइंड रिलैक्स हुआ था तो ये बीच जितने साफ होंगे उतना फायदा होगा इसको वीडियो को बंद करता हूं मैं अब बात करते हैं क्वेश्चन की तो ये बीच जितने साफ होंगे ना उतना फायदा होगा वहां की लोकल पॉपुलेशन का क्योंकि उनकी आमदनी टूरिस्ट के आने पर निर्भर करती है टूरिस्ट कब आएगा जब साफ सफाई होगी राधानगर बीच खुलेगा वहां पर गंदगी ना पड़ी हो और साफ सुथरी रेत हो कुछ लोग रेत में डिजाइन बनाते हैं ना कुछ कुछ मिट्टी से कुछ बना दिया कलाकारी कर दी है ना तो वो सब काम कब करेगा जब साफ होगी मिट्टी जब वो रेत साफ होगी तो इस क्वेश्चन में बोला गया एक बीच का नाम बताया गया कैरिबियन बीच बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है देखो बीच सारे ब्यूटीफुल होते हैं प्रोवाइडेड की वो साफ हो उनके आसपास गंदगी ना हो गवर्नमेंट ने यहां पर दो बीच खोल रखे हैं पब्लिक के आने जाने के लिए और बाकी बीच को प्रिजर्व कर रखा है ताकि लोग गंदा ना कर दें क्योंकि गंदा तो लोग ही करते हैं ना खाना खाया पॉलिथिन ऐसी फेंक दी पेप्सी पी कैन ऐसी फेंक दी तो यहां के लोगों की मेन आमदनी का सोर्स यही है कि लोग बीच में आए उन्हें अपना सामान बेचने का मौका मिलता है तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एंटिटी ने बीच को साफ करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया यानी कि जो पानी है उसको साफ करो वो काला ना दिखे बिल्कुल व्हाइट दिखे गंदगी जो आसपास में जो वेस्ट है उसको पूरा रिमूव कर दे है ना जो मिट्टी के अंदर सैंड के अंदर जो वेस्ट बैग है प्लास्टिक बॉटल है उसको रिमूव कर दे तो इसी के ऊपर के स्टडी है और आखिर में पूछा गया है कि क्या कैसे चेक करें इफेक्टिवनेस इकोनॉमी और एफिशिएंसी लेवल को चलिए बात करते हैं अब देखो डस्टबिन जगह जगह लगाए गए हैं इन्होंने एक मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम भी किया मतलब गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स लगाए होंगे भाई किसी को दिखता है किसी ने कोई गंदगी फैला दी तो तुरंत कॉल करो तुरंत वो चौबीस घंटे के अंदर साफ करवाएंगे गुड वैल्यू फॉर मनी फॉर टूरिस्ट टूरिस्ट ने अगर एक लाख रुपए खर्च किया तो उसको मजा दस लाख के बराबर आना चाहिए उसको लगना चाहिए एक लाख खर्च करके मजा ही आ गया अगर उसके मुंह से ये बात निकल गई तो समझ जाना ये टूरिस्ट दोबारा यहां पर लौटेगा रिक्वायरमेंट इज ऑन क्लीनिंग सिस्टम अच्छा मुझे बातें करते करते भी ध्यान आया वहां पर ये दिल्ली में पीते नारियल पानी है ना वहां पर मैंने एक नारियल पानी एक पिया था सुबह के टाइम आठ सवा करीब और तीस या पैंतीस रुपए का सबसे दिया था मेरे को चालीस रुपए का दिया होगा उसमें कम से कम डेढ़ लीटर के करीब उसके अंदर पानी था कम से कम सवा डेढ़ लीटर सोचो इतना पानी और दिल्ली में तुम पी लो चार सिप के अंदर खत्म हो जाता है यार मतलब तीन सौ चार सौ एम मैक्सिमम और वहां पर सवा से डेढ़ लीटर पानी और मतलब मजा आ गया था बिल्कुल चलिए वापस लौटते हैं यार रिक्वायरमेंट नंबर वन थी इकोनॉमी के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर तो पहले बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर देखो इकोनॉमी मतलब क्या असेसमेंट ऑफ वेदर डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट लोवेस्ट कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी केस में इकोनॉमी मतलब क्या है क्या कम खर्चे पर बीच साफ हुआ क्या कम खर्चे पर बीच साफ हुआ तो क्या क्या तरीके इसको कौन कौन से पॉइंट देखने पड़ेंगे सबसे पहले बीच को साफ करने में जो खर्चे हुए हैं ना उन खर्चों को अलग अलग हेड में तोड़ दो इतना खर्चा ट्रैक्टर का इतना खर्चा क्रेन्स का इतना खर्चा लेबर का इतना खर्चा डस्टबिन का उसके बाद पॉइंट नंबर टू उसे कंपेयर करो कितना खर्चा किया जाना चाहिए था से यानी कि बजटेड कॉस्ट से और इंश्योर करो कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस आप चाहते थे वो आ गई यानी जितनी साफ आप वो रेत चाहते थे क्या वो रेत उतनी साफ हो गई अगर ये सारे काम हो गए हैं विद इन बजट तो भाई ऑपरेशन इकोनॉमिकल था यानी कि आपने इकोनॉमी लेवल को अचीव कर लिया है लेकिन अगर लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है ना तो आप क्या करो समझ जाओ कि यह क्या है अन यानी कि खर्चा ज्यादा हो गया क्वालिटी तो मिल गई बट खर्चा ज्यादा हो गया तो यह इकोनॉमिकल तो नहीं है यह पॉइंट नंबर वन दूसरे बात करनी है एफिशिएंसी की एफिशिएंसी मतलब जो रिसोर्सेज और फंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए कि नहीं हुए यानी कि जो फंड हमने एलोकेट किया था उस बीच को साफ करने के लिए उस फंड का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ या वो मिस हुआ डस्टबिन जितने कहे गए थे उतने ही लगाए या कम लगाए और ज्यादा बताए ऐसा तो नहीं है ना कुछ पॉइंट है चेक लॉग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर वर्कर को ड्यूटी दे दो आठ घंटे आप यहां बैठोगे और कोई भी कुछ आइटम फेंकता है वेस्ट फेंकता है तो तुरंत उसको टोकोगे अगर नहीं मानता है तो उसको आप कंप्लेन करके साफ करवाओगे लॉग रिकॉर्ड चेक करो तो पता लगेगा कि जिस लेबर को इंप्लॉय किया है वो टाइम पर काम कर रही है नहीं कर रही है आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर चेक करो कि कॉस्ट बढ़ने के पीछे रीजन क्या है अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को हाई रेट पर इंप्लॉय कर लिया है उसकी वेजेट कम होनी चाहिए थी या कॉस्ट पर ट्रैक्टर ज्यादा है अगला पॉइंट है अगर कोई टास्क ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको ज्यादा टाइम दो एग्जाम्पल के लिए रेत को साफ करना तो आसान है लेकिन रेत के पास जो पानी है ना उसको साफ करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है <laughs> तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट करो ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करो तब जाकर आप एफिशिएंसी लेवल को अचीव कर पाओगे रिक्वायरमेंट नंबर दो इफेक्टिवनेस की बात की गई इफेक्टिवनेस का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव था जो मिशन था क्या उसको अचीव कर पाए है ना यानी ऑब्जेक्टिव क्या था बीच साफ हो तो क्या एक्चुअल के अंदर बीच साफ हुआ जितना हम चाहते थे दूसरी बात इस बात को डिफाइन करो गंदगी मतलब क्या अगर बीच के अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं तो क्या उसे गंदगी बोलोगे या खूबसूरती बोलोगे अगर बीच के पास जो रेत है वहां पर छोटे छोटे सीप पड़े हैं तो उसे गंदगी बोलोगे या उसे नेचुरल खूबसूरती बोलोगे जब आप ऐसे बीच पे जाओगे ना तो रेत के अंदर आपको छोटे छोटे सीप मिलेंगे और उन सीप को आप घर पर नहीं ला सकते एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग होगी और वहीं पर उसे रख लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी वहां की प्रॉपर्टी है और उसी के बेस पर वो बीच खूबसूरत माना जाता है तो डिफाइन करो गंदगी मतलब क्या ये बात बहुत जरूरी है गंदगी का मतलब क्या है किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक की और उसी कैन वैसे फेंक दिया फूड रिफ्यूज एनिमल ड्रॉपिंग्स ग्लास बॉटल्स टिन ट्रैश बीन इन सब बातों के ऊपर ध्यान दो तो ये सारी बातें आपको यहां पे लिखनी है <coughs> अगर बार बार कस्टमर लौट के आ रहा है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कंप्लेंट कर रहा है कि भैया फलाने व्यक्ति ने यहां पर गंदगी फैला दी तो समझ जाना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है जब भी आप, जब भी भी आप आप अंडमान निकोबार में जाओगे जैसे फ्लाइट से उतरोगे ना तो आप देखना आपकी एंट्री करवाएंगे वो कहां पर एयरपोर्ट पर ही आप एंट्री करोगे आप कहां से आए कितने लोग आए कितने दिन के लिए आए है ना और किस पर्पज से आए अगर दोबारा आप जाते हो एक साल बाद डेढ़ साल बाद दो साल बाद फिर से एंट्री कराएंगे तो एंट्री क्यों कराते हैं वो चेक करने के लिए कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं क्या वो लौट के भी यहां पर आ रहे हैं अगर वो लौट के बार बार राधानगर बीच पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो इस बात का इंडिकेशन है कि बीच साफ सुथरा है पानी गंदा नहीं है रेत में खेलकर उनको मजा आ रहा है रिक्वायरमेंट नंबर तीन इफेक्टिवनेस को एसेस करने में मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए इस बात को एसेस करने के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं? रिक्वायरमेंट नंबर तीन थी चैलेंज नंबर वन इस बात को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किस बात को हम सफाई बोलेंगे और किस बात को हम गंदगी बोलेंगे जैसा मैंने एग्जांपल दिया छोटे छोटे पत्थर अगर रेत के अंदर हैं जो कभी कभी टूरिस्ट के पैर में लग जाते हैं चुभ जाते हैं तो इसे आप गंदगी बोलेंगे या सफाई बोलेंगे इस बात को डिफाइन कर पाना मुश्किल है क्योंकि छोटे छोटे पत्थर कई बार छोटे छोटे सीप भी होते हैं इनसे खूबसूरती भी आती है और कभी कभी पैर में चोट भी लग जाती है दूसरी बात बीच को साफ रखने की जो जिम्मेदारी है ना वो टूरिस्ट की भी है लेकिन इस बात को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि टूरिस्ट उस काम को करे जरूरी नहीं कि वो करे पॉसिबिलिटी है कि वो ना करे वो क्या बोलेगा भाई मैंने तो पेप्सी कैन पी ली मेरे आसपास में डस्टबिन तो है नहीं और 400 मीटर दूर जाकर तो मैं कैन को डालूंगा नहीं मैं तो कैन को यहीं फेंकूंगा मैं क्यों जाऊं आधा किलोमीटर दूर इस कैन को डालने के लिए तो ये जो अवेयरनेस है ना टूरिस्ट में लाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हाँ सेवेंटी परसेंट लोग तो इसको मानते हैं पर ट्वेंटी लोग होते हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं वो कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो इस बात के ऊपर भी ऐसा कर पाना कि भाई टूरिस्ट ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया कि नहीं किया बड़ा मुश्किल है चौथा पॉइंट था ऑडिट टीम को कैसे बताएं कि वो कैसे चेक करें ध्यान देना जरा कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं जिसके बेस पर चेक करके ऑडिट टीम बता सकती है कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ सबसे पहली बात अगर क्लीनिंग ऑपरेशन करवाने का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है हा? तो बात अच्छी है अगर नहीं हुआ है तो बात गड़बड़ है यानी कि जिस लेवल की क्लीनिनेस पानी में चाहिए रेत पे चाहिए उस लेवल की क्लीनिनेस अगर एक्चुअल में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है ये काम अगर बजट के अंदर हुआ है जितना पैसा खर्च करेंगे सोचा था उतना ही खर्च हुआ है तब तो यहां पर इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है ऑपरेशन हैज नॉट बीन इफेक्टिव तो यह क्या डिफरेंस अब देखना डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है या तो थोड़ा बहुत है आपने सोचा था पूरे बीच को साफ करने पर दस लाख रुपए खर्च आएगा अब खर्चा आएगा दस लाख बीस हजार तो ठीक है यार बीस हजार यानी कि एक दो परसेंट की वेरिएशन तो दो परसेंट की वेरिएशन तो एक्सेप्टेबल है तो बस यही सारी बातें लिखनी है आपको रिक्वायरमेंट नंबर चार के अंदर और आखिरी में यू आर स्वेथुल थैंक यू तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते वक्त प्रैक्टिकली अगर आपने उस चीज को इमेजिन किया है क्वेश्चन को रीड किया है आराम से आप लिख लेंगे कॉमन सेंस के ऊपर भी है ये क्वेश्चन और हमें इकोनॉमी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इन वर्ड्स को इन कॉन्सेप्ट को भी यहां पर लिंक कर देना क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है तो आपकी ये वाली स्टडी पूरी हो चुकी है अब बची है आपकी सिर्फ तीन की स्टडी स्टडी नंबर सत्रह अठारह और उन्नीस इसे करेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर को देखने में मजा आता है आपको प्रैक्टिकली बात समझ में आती है और आप चीजों को प्रैक्टिकली समझना चालू कर चुके हैं और कॉस्टिंग सब्जेक्ट से आपको प्यार हो गया है तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्वेश्चन को बनाना इसका एक पार्ट है देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा कोई अगर बोले कि सिर्फ स्टडी ही एग्जाम में आती है तो गलत है क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा ज्ञान वो है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके चाहे वो केस स्टडी वाली हो चाहे वो प्रैक्टिकल वाली हो तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के संग शेयर करिए और मुझे भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो देखने में मजा आया कि नहीं आया अगर मजा आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए मजा आ गया यह बात पढ़कर मुझे भी और मेरी टीम को भी मजा आ जाएगा चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर थैंक यू